will present all our classes today about the tense. First of all, we will know about what is tense. Tense indicates the time of action. So, tense है वो indicate करता है, the time of the action, कार्य के समय को indicate करता है. It is divided into three parts. First is present, second is past, and third is future. Present tense means today, and past tense means yesterday, and future tense means tomorrow. Actions take place now. जो actions इस समय at present time में take place हो रहे हैं, actions take place now, before and later. और जो actions हैं, वह now. Now इस present में भी take place हो सकते हैं, घटित हो सकते हैं, before पहले भी घटित हुए हो सकते हैं, and later it may be later in future time और ये बाद में भी हो सकते हैं. The actions may be take place in at present, past or future time. The present tense indicates an action. जो present tense है वह indicate करता है एक action को that take place now. जो now means अब या इस समय पर जो हो रहा है present time में हो रहा है ऐसे action सम्मिलित होते हैं present tense में. It indicates an action that take place at now. जो इस समय present time में take place होते हैं उन्हें present tense कहते हैं. Past tense. Past tense indicate actions और जो past tense है वह indicate करता है actions उन कार्यों को that has already been taken place before. जो पहले से ही पहले के समय में हो चुके हैं already means पहले से ही been taken place हो चुके होते हैं before means पहले के समय में. The future tense indicates और जो future tense है वो indicate करता है an action एक कार्य को that is going to take place जो होने जा रहा है later means बाद में आगे आने वाले समय में होने जा रहा है. For example किरण वर्क्स हार्ड. किरण कठोर परिश्रम करती है. दिस सेंटेंस रिफ्लेक्ट द इंडिकेट्स द प्रेजेंट टेंस. किरण वर्क हार्ड. किरण ने कठिन कार्य किया या किरण कठिन कार्य करती थी. किरण विल वर्क हार्ड. किरण हार्ड वर्क करेगी कठिन परिश्रम करेगी. इट मींस किरण वर्क्स हार्ड प्रेजेंट टेंस. किरण वर्क हार्ड पास्ट टेंस एंड किरण विल वर्क हार्ड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस इज डिवाइडेड इनटू three parts. First is present indefinite tense, second is present continuous tense, third is present perfect tense, and fourth is present perfect continuous tense. First of all, we will know about the present, simple present tense or present indefinite tense. It tells about the action. ये हमें कार्यों के बारे में बताता है that take place in the present. जो present time में हो रहे होते हैं but does not but does not tell us the completeness. लेकिन हमें ये completeness और incompleteness पूर्णता या अपूर्णता को नहीं बताता of the action कार्य की. जैसे मीरा reads the book. It means मीरा reads the book means मीरा किताब पढ़ती है और इसमें कोई भी completeness और incompleteness नहीं है. पढ़ती है continuation में. It is not found the work is complete or incomplete. At this tense tells us not tells us about the completeness or incompleteness. So it is named as indefinite. Indefinite means uncertain, unnecessary part. It is used to express a fact. इसका प्रयोग किया जाता है to express a fact. एक fact को express करने के लिए जो habitual action है आदतन जिनकी जो आदत वाले action है कारण है उनसे. For example, I go to school every day. मैं हर डे स्कूल जाता हूँ प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ. तो स्कूल जाना भी एक हैबिट है मतलब पर डे जो कार्य किए जाते हैं वो हैबिट में आ जाते हैं. द क्वीन द प्यून रिंग्स द बेल. और जो चपरासी है वह घंटी बजाता है. इट मींस प्यून्स रिंग्स द बेल एवरी डे. चपरासी एक दिन घंटी बजाता है. तो ये हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है. माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मेरी माता जी सुबह जल्दी होती है. कुछ लोगों की सुबह उठने की आदत होती है. सो सुबह उठना भी ये हैबिचुअल एक्शन हो जाएगा. माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस. और इसका प्रयोग किया जाता है इंट्रोड्यूस करने में यूनिवर्सल ट्रुथ. यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब सार भौतिक सत्य जिसे सभी लोग सत्य मानते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत आता है. फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस है अभ्यास है मीन्स बनाता है कि मैं एक आदमी को परफेक्ट मीन्स पूर्ण. जो अभ्यास है अभ्यास के द्वारा आदमी पूर्ण हो सकता है. इट मीन्स तो
So this is a universal truth and this is a also proverb. सभी लोग इसे सत्य मानते हैं कि प्रैक्टिस जैसी में पड़ता है. The earth revolves around the sun. जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व करती है, परिक्रमा करती है. The stars shine at night. और जो तारे हैं रात के समय ही शाइन होते हैं. It also shows the universal truth. जो तारे हैं वो दिन में कभी भी शाइन नहीं होते हैं. ये ऐसे सत्य हैं जिनको सभी लोग सत्य मानते हैं. It is used to express any event. और इसका प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए एन इवेंट, एक घटना को टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम के समय में होती है. फॉर एग्जाम्पल वी रीड टूगेदर, हम एक साथ पढ़ते हैं. दिस सेंटेंस शोज द प्रेजेंट इवेंट. टेक प्लेस इन द आफ्टरनून, को दोपहर के समय में कहते हैं. आई गो टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ. देयर आर द सब टाइप ऑफ सेंटेंस व्हिच इंडिकेट्स द प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम. These were the simple present tense. Write an item to. Learn.